दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट के बारे में कि किस प्रकार से हम अपने फलदार पौधों में फर्टिलाइज़र का मैनेजमेंट करें जिससे कि हम उनका ऑप्टिमम ग्रोथ भी ले सकें और ऑप्टिमम फ्रूटिंग भी ले सकें। तो आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आज के बाद आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कब फर्टिलाइज़र देना है पौधे में, कितना फर्टिलाइज़र देना है पौधे में और कितने दिन के अंतराल में फर्टिलाइज़र आपको देना होता है। ये सारी चीज़ों का जो समावेश है ये आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो आप एक भी सेकंड स्किप मत करना। हम सभी किसान तीन तरह की खेती करते हैं। पहला होता है नेचुरल फार्मिंग, जिसे हम परमाकल्चर का जो तरीका होता है वो भी मान सकते हैं। दूसरा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग और तीसरा होता है कन्वेंशनल फार्मिंग। इन तीनों के माध्यम से हम फर्टिगेशन करते हैं और ये तीनों का जो सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र या फर्टिगेशन है वो अलग अलग प्रकार का रहता है, लेकिन हमारा जो मेन मोटो या जो हमारा मुख्य उद्देश्य वो वही रहता है कि पौधे को न्यूट्रिशन दिया जाए और सही न्यूट्रिशन दिया जाए और सही परिमाण में जो न्यूट्रिशन है वो दिया जाए। कोई भी फर्टिलाइज़र या खाद देने से पहले हमको ये जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि पौधे को कौन सा खाद ज़रूरत होता है। हम वही खाद देंगे तभी वो जो पौधा है उसके लिए काम का रहेगा, या जो पौधे को ज़रूरत ही नहीं है उस खाद की अगर वो भी खाद देते रहेंगे हमें तो वो पौधा को जो वो खाद है वो कुछ काम का रहेगा नहीं और वो खाद वेस्ट होगा और जिससे हमारी समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होते रहेगा और साथ ही ज़मीन में बर्बाद होगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हमारा एक अनुरोध है कि आप हम पर विश्वास करते हैं ये हमें मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं और रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये इससे आपका ही लाभ होगा। जब भी हम वीडियोस डालते हैं जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं आप उनको देख पाते हैं, आपको जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो भेजी जाती हैं जब आप नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेटिंग कर देते हैं। तो इससे आपका कोई पैसा देने का जरूरत नहीं होता है, बस आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे आपका एक भी पैसा लगता नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा बना है, हमने मेहनत की है वीडियो पर, आप एक लाइक अवश्य करें जिससे कि हमको ये समझ में आएगा कि आप जो हमारी वीडियो में जो हम मेहनत कर रहे हैं उसकी आप इज्जत करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, देरी न करते हुए इस वीडियो को, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो शुरू करते हैं। फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट में आज हम बात करेंगे सेब के पौधे में कि सेब के पौधे में कब खाद देना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए और कितना खाद देना चाहिए। तरीका कोई भी हो, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे कन्वेंशनल फार्मिंग हो, इन तीनों का जो सोर्स ऑफ फर्टिगेशन है ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जो सेब का पौधा है उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जितनी मात्रा में ज़रूरत होती है वो उसे दिया जाए। अगर हम तीनों सोर्स ऑफ फर्टिगेशन को डिफ्रेंशिएट करें कि तीनों में सबसे जो दिक्कत वो करता है कन्वेंशनल फार्मिंग में, क्योंकि कन्वेंशनल फार्मिंग में हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक फाइबर जो कि हमें बाज़ारों में ख़रीदने को मिल जाता है, पैकेट्स में आते हैं, उसे हम केमिकल फर्टिलाइज़र के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक देखने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचें, बीच में अपना कोई जो भी जजमेंट है वो ना दें। कन्वेंशनल फार्मिंग में जो हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र या केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, ज़मीन को लंबे समय तक ख़राब कर देते हैं और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को भी ख़त्म करते हैं। इसका कारण यह है कि ज़मीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो घटता ही रहता है और जो इसका रेसिड्यू यानी कि यह इसका फर्टिलाइज़र का जो अंश बच जाता है ज़मीन में, ये ज़मीन के जो मिट्टी के कण होते हैं इसको जोड़ने का काम करता है, जैसे कि सीमेंट करता है। किस प्रकार से सीमेंट हमारे घर में जब हम सीमेंट का यूज़ करते हैं वो जो बालू के कण हैं इसको जोड़ देता है, इसी प्रकार से जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स के जो रेसिड्यू बच जाते हैं, अंश बचे रहते हैं, ये ज़मीन को जोड़ने का काम करते हैं जिससे ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो मिट्टी के अंदर नहीं हो पाता है और पौधे को जो पर्याप्त मात्रा में जो उनके रूट्स को ऑक्सीजन का सप्लाई होता है वो नहीं हो पाता है। ऐसे में लंबे समय तक सिंथेटिक फर्टिलाइज़र ज़मीन के उपजाऊ क्षमता को कम करते हैं, लेकिन सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से पौधों की जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है इसको पूरी की जा सकती है और ये कई सालों से पूरी की जा रही है। इसको करना चाहिए या नहीं ये आपके समझ बूझ के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र काफ़ी सारे जो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं ये सिंथेटिक फर्टिलाइज़र के मुकाबले कम नुकसानदेह होते हैं पर्यावरण और मिट्टी के लिए। साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें जो मैन्योर है चाहे वो गोबर हो चाहे वो अन्य कोई भी खाद हो कोई भी मैन्योर हो उसका काफ़ी
खास महत्वपूर्ण योगदान होता है। सिंथेटिक फर्टिलाइजर हमारे जमीन को खराब करते हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में एक तरीका बताएंगे जिससे कि आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यूज भी कर पाएंगे और आपकी जमीन भी सुरक्षित रह जाएगी। तो ये चीज आपको वीडियो के आगे वाले आने वाले सेक्शन में दिखाया जाएगा। जो न्यूट्रिएंट्स पौधे को हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर के माध्यम से देते हैं, उन्हीं फर्टिलाइजर को हम ऑर्गेनिक के माध्यम से भी दे सकते हैं, लेकिन इनका जो प्रोसेस है काम करने का, ये थोड़ा सा फास्ट और स्लो है, बस यही डिफरेंस रहता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हम सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको निर्बाध तरीके से दे सकते हैं पौधों को। नेचुरल फार्मिंग में हम नेचुरल तरीके से पौधे को जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उसको सप्लाई करने का कार्य करते हैं। नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। जीवामृत को हम करोड़ों करोड़ों माइक्रोब्स का घर मानते हैं। हालांकि दोस्तों एक बात आप अवश्य ध्यान में रखिएगा, आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि जो ये माइक्रोब्स होते हैं लैब में, यही माइक्रोब्स द्वारा सिंथेटिक फर्टिलाइजर का निर्माण किया जाता है। नेचुरल फार्मिंग में यही माइक्रोब्स पौधों को जिन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की जो इंतजाम है वो करते हैं। नेचुरल फार्मिंग में मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है उसको बरकरार रखने, साथ ही उसकी उपजाऊ क्षमता को और बढ़ाने का कार्य किया जाता है। नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती में कीटनाशक या फफूंदी नाशक से बचाने के लिए भी पौधों को नेचुरल या प्राकृतिक तरीके का ही यूज़ किया जाता है, जिसमें नीमास्त्र, सोंठास्त्र, ब्रह्मास्त्र, खट्टी छाछ, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। सेब के पौधे को कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और धरती पर कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। धरती में 108 प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन सेब के पौधे को सिर्फ 64 जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी आवश्यकता होती है अपनी अच्छी ग्रोथ, अपनी अच्छी फ्रूटिंग के लिए। ये जो 64 न्यूट्रिएंट्स हैं इनको पौधे अपटेक कर जाते हैं, लेकिन इन 64 न्यूट्रिएंट्स में भी 17 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ये 17 न्यूट्रिएंट्स पौधे को नहीं मिलते हैं तो पौधे को बीमारी लग सकती है, पौधा स्ट्रेस में जा सकता है, पौधा फ्रूटिंग कम कर सकता है, पौधा मर सकता है, पौधे में डाईबैक की समस्या आ सकती है जो कि गर्म क्षेत्र में बहुत ही अधिक देखी जाती है, क्योंकि जब भी कीट द्वारा पत्ते सारे खा लिए जाते हैं तो अचानक से जो पौधा है वो डाईबैक कर जाता है। ये 17 न्यूट्रिएंट्स के बिना पौधे का काम नहीं चल सकता है। अब इन 17 जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पौधे को कितना मात्रा में चाहिए होता है, कब कब चाहिए होता है, इसको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इन 17 न्यूट्रिएंट्स में भी दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जो कि पौधे को कम मात्रा में ज़रूरत होती है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जो कि पौधे को अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि संख्या में 7 हैं, इसके नाम हैं बोरोन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ये 7 जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे को देना ही होता है। इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण पौधे अपना काम पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जिसकी आवश्यकता पौधे को अधिक मात्रा में होती है। ये हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सल्फर, और इनके अलावा पौधा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी लेता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसकी पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता रहती है, इसमें आता है नाइट्रोजन। जितना नाइट्रोजन एक मैच्योर सेब के पौधे को ज़रूरत होता है, उसका डबल अमाउंट में पोटेशियम सेब के पौधे को पूरे साल भर में ज़रूरत होता है। एक मैच्योर सेब के पौधे में पूरे साल भर में 700 ग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है। जब भी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आपको जो मार्केट में मिलने वाला खाद का जो कट्टा होता है, जो 12-32-16-19-19-19, इन सब का जो इमेज है वो आपके दिमाग के पिछले हिस्से में नहीं बनना चाहिए। देखिए, नाइट्रोजन किसी भी तरीके से पौधे को मिल सकता है। नाइट्रोजन पहले से ही पौधों को प्राकृतिक तरीके से मिलते आ रहा है, और अब भी हम नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर के माध्यम से भी करते हैं, और ये पहले से भी होता हुआ आ रहा है नेचुरल तरीके से। बारिश के महीनों में आपने देखा होगा कि जो सारे पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं, यानी कि हरे भरे हो जाते हैं, तो इसका भी एक मुख्य कारण रहता है नाइट्रोजन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे पर्यावरण में अबंडेंट अमाउंट में नाइट्रोजन अवेलेबल है, यानी कि 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है हमारे पर्यावरण में। तो जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी अपने साथ नाइट्रोजन को मिला लेती है और वे आके मिट्टी में मिल जाते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिससे कि सारे पौधे में एक अलग तरह की एनर्जी देखने को मिलती है और पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त होता है, जिससे कि पौधे हरे भरे हो जाते हैं और ग्रोथ अच्छे रहने लगते हैं बारिश के महीने में। ये सिर्फ पानी के कारण पौधे हरे भरे नहीं होते हैं, इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। ये हमने आपको एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जो कि आप
सभी अपने आँखों से देख सकते हैं कि बारिश होता है और बारिश के महीने में जो पौधे हैं वो हरे भरे हो जाते हैं और इसका कारण नाइट्रोजन ही होता है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा तरीका होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो है एजोटोबैक्टर। और बहुत सारे ऐसे फल सब्जियाँ हैं जिसको लगाने से नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो इस टॉपिक को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने एजोटोबैक्टर का किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, उसका प्रयोग करके हम किस प्रकार से नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं और अपने पौधे को नेचुरल तरीके से जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करवा सकते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो देखना है तो हम आपका आपको जो है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे देंगे, तो आप लिंक के द्वारा जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब भी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तब आपके दिमाग के पिछले हिस्से में कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, इन सब की छवि आपके दिमाग के पिछले हिस्से में नहीं बननी चाहिए। जो भी नाइट्रोजन गैसियस अवस्था में हमारे पर्यावरण में उपस्थित है वे हजारों लाखों सालों से प्राकृतिक तरीके से पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध करवा रहे हैं और वे होते रहेंगे, इस प्रकार से उपलब्ध करवाते रहेंगे प्राकृतिक तरीके से। जहां नाइट्रोजन की आवश्यकता मैच्योर पौधे को 700 ग्राम की होती है, वहीं पोटेशियम की आवश्यकता एक मैच्योर पौधे को लगभग 1400 ग्राम की होती है। और वहीं अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, अगर हम बात करें कि एक मैच्योर पौधे को कितनी आवश्यकता होती है, तो जितना आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है, यानी कि एक पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता 700 ग्राम की होती है, तो फास्फोरस की आवश्यकता एक मैच्योर पौधे को 350 ग्राम की ही रहती है। फास्फोरस एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट का फर्टिलाइज़र है जो कि इमोबिलाइज होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है। जब भी आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये उसी ज़मीन के टॉप सॉइल पर ही पड़ा रहता है, ना ही ये पानी के साथ बहता है और ना ही ये पानी के साथ मिलकर मिट्टी के नीचे जल जाता है, बल्कि ये उसी टॉप सॉइल में बने रहता है और ना ही ये गैसियस फॉर्म में चेंज होकर के पर्यावरण में मिल जाता है। जब तक पौधा चाहिए, पौधे को ज़रूरत होता है, पौधे इससे लेकर के ही अपने अंदर अपटेक करके ही ये जो फास्फोरस है ये ख़त्म हो सकता है। ऐसा ही एक और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि इमोबिलाइज रहता है, जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम भी इमोबिलाइज फॉर्म का होता है, ये भी एक स्थान में ही रहता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जैसा कि आपको पता ही है कि ये अपने आप ये एक खेत से दूसरे खेत तक पानी के द्वारा जा सकता है, मिट्टी के अंदर भी जा सकता है और ये गैसियस फॉर्म में चेंज होकर के पर्यावरण में भी मिल सकता है। इस कारण से हमें समय समय पर पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होती है और ये सबसे अधिक मात्रा में पौधे की ग्रोथ में आवश्यकता आने वाला न्यूट्रिएंट्स है भी। पोटेशियम और फास्फोरस में सबसे ज़्यादा इमोबिलाइज होता है फास्फोरस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधे को काफ़ी अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि किसान भाइयों को, जो ज़्यादातर किसान हैं, उनके दिमाग में नाइट्रोजन को कुछ इस प्रकार से उनके दिमाग में बैठा दिया गया है कि वो हमेशा ज़्यादातर नाइट्रोजन की ही बात करते हैं, जबकि पोटेशियम, जिसकी आवश्यकता नाइट्रोजन से दुगनी मात्रा में ज़रूरत रहती है, जहाँ नाइट्रोजन की आवश्यकता एक स्वस्थ पौधे को 700 ग्राम की ज़रूरत होती है, वहीं पोटेशियम की आवश्यकता एक स्वस्थ पौधे को, जिसे कि फ्रूटिंग देनी होती है, उसे 1400 ग्राम की ज़रूरत पड़ती है, उसकी बात ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम नाइट्रोजन का प्रयोग करने के विपक्ष में हैं, हम तो चाहते हैं कि हम नाइट्रोजन का प्रयोग करें, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन तो हमें प्राकृतिक रूप से भी मिलते ही रहती है। जहाँ पोटेशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पौधे को, तो पोटेशियम पौधे को बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है, तो इस बारे में भी आपको अधिक मात्रा में ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सभी न्यूट्रिएंट्स को पौधों तक पहुंचाने के लिए इनका जो सोर्स है वो अलग हो सकते हैं, वे कन्वेंशनल फार्मिंग भी हो सकते हैं जिसमें कि हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जब भी आप नाइट्रोजन अधिक प्रयोग करते हैं पौधों में, तो जो पौधा होता है वो प्रोडक्टिविटी से हटकर ग्रोथ में जाता है, उसमें फ्रूटिंग करने की जो टेंडेंसी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है और पौधा सिर्फ बढ़वार ही करते रहता है, पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, हमने ये तो बात कर लिया कि पौधे को कौन कौन से न्यूट्रिशन देने चाहिए और कितनी मात्रा में देने चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं कि पौधे को कब कब खाद देना चाहिए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पर बात करना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पौधे को खाद कब नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि जब भी पौधा डोरमेंसी पीरियड में जाने की अवस्था में होता है, तो उस समय आप कभी भी पौधे को खाद ना दें,
क्योंकि अगर आप उस समय खाद देते हैं तो पौधा प्रॉपर डोरमेंसी में नहीं जा पाता है, और अगर पौधा प्रॉपर डोरमेंसी में नहीं जाएगा तो सही समय आने पर उसके जब फ्लावरिंग का समय आएगा तब वो प्रॉपर फ्लावरिंग ना कर नहीं कर पाएगा, और जब प्रॉपर फ्लावरिंग ही नहीं होगी तो आपको फ्रूट्स भी नहीं खाने को मिलेंगे, ना ही आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही जब भी आप डोरमेंसी पीरियड में पौधे को खाद देते हैं तो वो खाद देने का कुछ खास मायना रह नहीं जाता है, क्योंकि जो खाद होता है वो पौधा लेता नहीं है, क्योंकि जब पौधा शुष्क अवस्था में चल जाता है तो पौधा कोई भी खाद नहीं लेता है, ना ही पानी लेता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि फॉस्फोरस और पोटेशियम ये इमोबिलाइज होता है, अगर इसको हम दे देते हैं पौधे के जड़ों में तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये मिट्टी में, मिट्टी का जो ऊपर वाला टॉप सॉइल होता है वहीं पर बना रहता है, और जब पौधे डोरमेंसी से बाहर निकलते हैं तब पौधे इसको, इन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन देते हैं तो उसका कुछ खास महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर के पर्यावरण में मिल सकता है, जिससे हमारा पैसा और समय दोनों ही बर्बाद हो सकता है। भारत के अन्य हिस्सों में अन्य अन्य समय पर जो डोरमेंसी है वो ब्रेक होता है, यानी कि पौधे डोरमेंसी के बाहर आते हैं, तो डोरमेंसी के बाहर आते आने के बाद आप पौधे को फर्टिलाइज कर सकते हैं। उस समय पौधे को खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, अगर आप उस समय पौधे को खाद देंगे तो जो पौधा है वो प्रॉपर खाद ले सकेगा, और जो उसका परिणाम है वो आपको उसका आने वाली फ्रूटिंग में आपको दिखा पाएगा, उसका फ्रूटिंग अच्छा क्वालिटी का बनेगा। अगर आप कन्वेंशनल फार्मिंग में सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहते हो लेकिन ये भी चाहते हो कि आपकी जो ज़मीन की उर्वरकता क्षमता है वो बरकरार रहे, तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आप सिंथेटिक फर्टिलाइज़र है उसका स्प्रे करके प्रयोग करें। आप जब भी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र का पौधे के पत्तों में स्प्रे करते हैं तो इससे क्या होता है कि पत्तों के द्वारा जो फर्टिलाइज़र है वो जल्दी एब्जॉर्ब भी होते हैं, और ये पौधे जल्दी एब्जॉर्ब करके जल्दी उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलता है, और इससे आपका जो मिट्टी है, इससे आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता भी बरकरार रहती है। साथ ही आपके पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता रहती है आप फॉलियर स्प्रे द्वारा पौधे को प्राप्त करवा सकते हैं। अगर किसान भाइयों, अब भी आपको एक सवाल का जो उत्तर है वो नहीं मिल पाया होगा कि हम कब कोई भी पौधा है तो उसको फर्टिलाइज करना चाहिए, तो जो भी प्लांट डोरमेंसी में जाते हैं जैसे कि सेब, नाशपाती, पीच, आलू बुखारा यानी कि प्लम, ठीक है, जो भी पौधे डोरमेंसी में जाते हैं तो उन सभी पौधे को जो फर्टिलाइज़ करने का सबसे सही समय है वो है कि जब वो डोरमेंसी ब्रेक करता है, यानी कि जब आपको उसके जो ग्रीन टिप्स दिखना शुरू हो जाते हैं वो सबसे सही समय माना जाता है उसको फर्टिलाइज़ करने, यानी कि फरवरी का लास्ट वीक या मार्च का फर्स्ट वीक, ये डिपेंड करता है कि आपके अपने अपने स्थान पर, क्योंकि हर जगह जो ठंड है कहीं थोड़ी पहले ख़त्म हो जाती है तो कहीं थोड़ी देर बाद ख़त्म होती है, तो ये आप पर निर्भर करता है। जब भी ग्रोथ आपको दिखना शुरू हो जाए तो आप उस समय फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐसे पौधों की बात करें जो ठंड के मौसम में अपने पत्ते नहीं गिराते हैं तो उन पौधों को भी फर्टिलाइज़ करने का सही समय जो है आपका फरवरी के एंड या मार्च के स्टार्ट मान सकते हैं, यानी कि वसंत ऋतु की शुरुआत में आप फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप फर्टिलाइज़ कर पाएंगे, ये सबसे सही समय माना जाता है हर पौधों के लिए। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको कितना खाद देना है, कब खाद देना है, इन सभी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, और आप आखिरी समय खाद दे सकते हैं अगस्त तक, अगस्त से सितंबर तक आप लास्ट खाद दे सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो पौधा है उसको आप खाद ना दें ताकि वो प्रॉपर जो है खाद को न्यूट्री अपने आप एब्जॉर्ब कर पाए और वो अपने आप अंदर स्टोर कर पाए, है ना। पौधे को भी एक समय देना होता है तो उतना समय आपको दे देना चाहिए पौधे को ताकि पौधा उस समय खाद ना ले और जितना भी खाद लिया है वो अपने पास स्टोर रखे, ना कि उस समय भी वो अगर खाद लेते रहेगा तो वो ग्रो ही करता रहेगा, ना कि कभी फ्रूटिंग में आ पाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, आप दिल खोलकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मतलब जानकारी के लिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद।